ललित मर्जी आपका एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। सर ये एट्रोसिटी का जो मैटर है, दलित उत्पीड़न का जो मैटर है, सर ये क्या बला है जिसे पूरा भारत ट्राई ट्राई कर रहा है? ऐसा है कि 20 मार्च 2018 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है। ये जजमेंट ज्यादातर लिहाज से ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशन उसमें जो आ गई वो जो अमेंडमेंट आई है या जो बेसिक जो एक्ट है उसके खिलाफ आ गई, और उस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि जजमेंट जो है वो बेसिकली एक्ट के खिलाफ आ गया। लेकिन उसमें ये कहना कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते समय उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, ये भी गलत है। रीज़न क्या है कि इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक अमेकस क्यूरी अपॉइंट किए और एक इंटरवीनर को भी सुना और कंसर्न पार्टीज को भी सुना। तो जो जजमेंट है, अगर हम जजमेंट को ध्यान से पढ़ें तो हमें ऐसा लगेगा, पता लगेगा कि जो असिस्टेंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को मिलनी चाहिए थी इन टर्म्स ऑफ डेटा एंड इन टर्म्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट वो नहीं मिल पाया। मतलब जो वक्ता जो अधिवक्ता थे उन्होंने अपना जो सही ढंग से प्रस्ताव नहीं रखा? नहीं जी, एब्सोल्युटली नहीं। और उसके चलते जो भी असिस्टेंस एडवोकेट्स के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को मिली उसके आधार पे उन्होंने उस डेटा को यूज करते हुए अपना व्यू बनाया और व्यू बनाने के बाद वो जजमेंट पास कर दिया जी। अब उसमें अगर हम इस जजमेंट को देखें, लेकिन देखिए जजमेंट पहली बात तो ये है कि जजमेंट का रिजर्वेशन से कोई लेना देना जी, क्योंकि जो 2 अप्रैल 2018 में जो मेहम पूरी इंडिया में हुआ, जो जैसे इनसिक्योरिटी क्रिएट की गई, ये इनसिक्योरिटी भी बाहर से आई, बाहर इन द सेंस नॉन शेड्यूल कास्ट वर्क से आई या शेड्यूल कास्ट वर्क से आई, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये बात तय है कि इसमें कुछ लोग इंटरेस्टेड पार्टीज ने ही ये इनसिक्योरिटी क्रिएट की और इस पर्टिकुलर नोट को छेड़ा गया कि ये रिजर्वेशन से डायरेक्टली लिंक्ड मामला है, जबकि रिजर्वेशन का इससे कोई लेना देना नहीं। ये एट्रोसिटीज का मामला है जो कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ट्राइब के ऊपर जो एक्ट है उसको और पुख्ता करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है एक्ट को अमेंड किया था, और उस एक्ट को अमेंड करने के बाद में वो सिर्फ इसीलिए अमेंडमेंट की उसकी ज़रूरत पड़ी थी क्योंकि उसमें कन्विक्शन या तो होती नहीं थी, होती थी तो बहुत कम होती थी, और अगर किसी में कन्विक्शन या कुछ ऐसा होता था तो वो सुप्रीम कोर्ट तक आते आते वो वन और दी अदर रीज़न वो कन्विक्शन जो है सेट असाइड हो जाती थी। सर जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस तरीके के मैटर होते हैं, जनता से संबंधित मैटर होते हैं या मतलब इस तरीके के डिपार्टमेंट से संबंधित मैटर होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट सरकार को इन्वॉल्व करते हैं, सरकार का मतलब जो सॉलिसिटर होते हैं या एडवोकेट जनरल होते हैं उनको के माध्यम से वो सरकार को बताते हैं कि इसमें जनता का हित कहाँ है और इसमें सरकार का हित कैसा है, तो क्या उस समय सरकार को नहीं सोचना चाहिए था कि भाई इस तरीके की जजमेंट आओ अपने सॉलिसिटर को सुप्रीम कोर्ट के सामने आने वाले जज के सामने खड़ा करें? ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार को अपना पक्ष रखते समय ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बतानी चाहिए थी, क्योंकि एक ऐसा इम्प्रेशन सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने क्रिएट किया गया जिससे कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि तमाम मैटर्स में या मेजॉरिटी ऑफ मैटर्स में इस एक्ट का एब्यूज़ होता है और इसमें जो कंप्लेंट्स होती हैं वो फॉल्स होती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो इसमें देखिए, अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट पास की उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4-5 पॉइंट्स पे ये जजमेंट पास किया जो उनकी कंक्लूसिव फाइंडिंग है जी। उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होता है कि ये जो एक्ट है नया वाला जो अमेंडमेंट आया है इससे किसी की लिबर्टी का एब्यूज़ होगा, इस एक्ट का भी एब्यूज़ होगा जी, उसके लिए कोई पुख्ता डेटा कोर्ट के सामने नहीं था। दूसरी बात, किसी भी कानून का एब्यूज़ होना ना होना ना तो पुलिस के हाथ में होता है ना ही किसी लिटिगेंट के हाथ में होता है,
ना किसी कंप्लेनेंट के हाथ में होता है बल्कि कोर्ट के हाथ में होता है जी। कोर्ट उसकी मॉनिटरिंग करती है। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जो अभी लेटेस्ट जजमेंट है जो ये कहती है कि अब जो कोर्ट है वो इन्वेस्टिगेशन को भी मॉनिटर कर सकती है जी। जब कोर्ट इन्वेस्टिगेशन तक को मॉनिटर कर सकती है तो ऐसी सिचुएशन में किसी एक्ट का एब्यूज होना अपने आप में कंट्राडिक्टरी है। सर मॉनिटर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ कानून बचाना है, कानून का पालन कराना है, न कि सुप्रीम कोर्ट किसी कानून बनाएगी। कानून बनाने का काम तो सर पार्लियामेंट का या वो राज्यसभा का है। एब्सोल्युटली राइट। मेरा इतना ही मानना है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो डेटरेंट इफेक्ट था जी इस एक्ट का, इस एक्ट का जो प्रभावशाली इफेक्ट था उससे इसके इसके तहत होने वाली जो एट्रॉसिटीज़ हैं उसके ऊपर फर्क पड़ता था। क्योंकि अगर कोर्ट्स बैठी हैं मॉनिटरिंग करने के लिए इन्वेस्टिगेशन की, अगर कोर्ट्स बैठी हैं ये देखने के लिए कि कहीं कोई एक्ट का अब्यूज़ तो नहीं हो रहा है जी, अगर कोर्ट्स बैठी हैं तो फिर हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है जी। या तो कोर्ट ये कहे, कोर्ट ने ये फाइंडिंग तो दी नहीं कि जो पुलिस वाले हैं वो अब्यूज़ करते हैं, वो गलत FIR करते हैं, पुलिस कोर्ट ने ये फाइंडिंग तो दी नहीं जी, कोर्ट ने ये फाइंडिंग भी नहीं दी। और इसमें कोई छोटे इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर रैंक का जो आदमी होता है वो तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता नहीं है जी। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो DSP लेवल का होता है। जब DSP लेवल का ऑफिसर अगर इन्वेस्टिगेट करता है और उसको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही अरेस्ट करता है, और मैं आपको एक बात बता दूँ 90% केसेज में SC ST के केसेज में इमीडिएट अरेस्ट होती भी नहीं है जी। क्योंकि सर 1989 के अंदर ये एक्ट बना था। क्योंकि देखिए ऐसा है कि जब मैटर एक्चुअल क्या है, प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ये है कि किसी भी कोई एट्रॉसिटीज़ का अगर कोई डिसग्रंटल, कोई ग्रीवांस होल्डर, कोई आदमी अगर कंप्लेनेंट जाता है थाने में और वो कहता है कि मेरे साथ जो है ऐसा ये जो है व्यवहार हुआ है और मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया गया है और मुझे फला आदमी ने किया, नॉन शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के आदमी ने किया है, और वो पुलिस स्टेशन में जाता है, तो पुलिस उसकी प्रिलिमिनरी उसकी कंप्लेंट लेकर के उसको जो है ACP के फॉरवर्ड कर देती मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, और अगर नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में DSP वगैरह को फॉरवर्ड कर दी जाती है। तो जब ये कंप्लेंट उनको फॉरवर्ड कर दी जाती है वो इसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही अरेस्ट होती है। तो ऐसा नहीं है, कुछ नया नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने, बात वहीं की वहीं है। लेकिन ये कह देना कि भाई ये अब्यूज़ होता है इसलिए उसको जो है दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि क्या इसमें बेल की पावर एब्सोल्युटली बार्ड है जी। ये पहले भी कोर्ट्स ने कहा है कि इसमें एब्सोल्युटली बार्ड नहीं है। अगर ये पाया जाता है प्राइमा फेशा है कि ये कंप्लेंट की फर्जी है जी, तो उस केस में या कंप्लेंट का अब्यूज़ हुआ है। अब इस केस में भी तो ट्रायल से पहले ही कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया जी। तो इसी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है ऐसे हाई कोर्ट की पावर है इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन में, कोई भी जो है क्यों वहाँ जा कर के कह सकता है कि मेरे खिलाफ़ फर्जी मामला दर्ज किया गया है, मेरे खिलाफ़ जो एट्रोसिटीज एक्ट का जो मामला है उसको अब्यूज़ किया गया है। और अगर माननीय उच्च न्यायालय को या किसी भी हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि अब्यूज़ किया गया तो कोर्ट उसको खारिज कर सकती है, इसमें तो कोई बात ही नहीं जी। सो लिहाजा ये कह देना कि सिर्फ एक्ट अब्यूज़ होगा उसके आधार पर उस एक्ट को स्केल डाउन करना, उसके खिलाफ एक ऐसा इम्प्रेशन क्रिएट कर देना कि इस एक्ट में अब्यूज़ होता है, उसका बड़ा भारी नेगेटिव इम्पैक्ट जो है आज अदालतों पर चला गया है। सर ये देखने में माननीय सुप्रीम कोर्ट की इस ऑब्जर्वेशन के कारण सर ये देखने में आया है कहीं जब दलित सब की बात आती है तो दलित मैटर कोर्ट के अंदर आते हैं, उस पर चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट तुरंत निर्णय लेती है, लेकिन आप कोर्ट के अंदर हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी वकालत कर रहे हैं और काफ़ी हजारों केस पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन जब दलित सब की बात आती है, बहुजन सब की बात आती है, उस पर तुरंत सुप्रीम कोर्ट ये आँख लगा के बैठा रहता है कि मुझे कब जजमेंट देना है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। सुप्रीम कोर्ट में पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग किसी के कहने से नहीं हो सकती। कोई कहे कि मैं आउट ऑफ प्रायोरिटी अपने केस की लिस्टिंग करा लूँ वो तो पॉसिबल संभव नहीं है। सो लिहाजा मैटर जब आता है अपनी टर्न से ही आता है, लेकिन क्योंकि ये मामले इतने संवेदनशील होते हैं और ऐसे लोगों की आस्था से जुड़े होते हैं विद रिगार्ड्स टू प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स एंड लिबर्टी, इसलिए ये मामले जो है थोड़े से यू नो प्रेस इनको कवरेज देती है। और दूसरी बात ये है कि एक मेजॉरिटी ऑफ सेक्शंस को ये इम्पैक्ट करते हैं ये मैटर जो इसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे जहाँ तक लगता है कि हमने एक रिव्यू पिटीशन अभी प्राइवेट डाला है जी,
और पूरी इंडिया में केवल हम ही ने एक रिव्यू प्राइवेट रिव्यू पिटिशन इसमें डाला है जिसकी सुनवाई की डेट आ गई है 9 मई को उसकी सुनवाई होने वाली है। 9 मई सो उसकी सुनवाई होगी अब। और हमारा कहना सिर्फ एक ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब इन्वेस्टिगेशन को डीसीपी करेगा सॉरी एसीपी करेगा या डीएसपी करेगा उस इन्वेस्टिगेशन में वो पहले परमिशन लेगा, अगर वो सरकारी आदमी है जिसने अब्यूज़ किया है जी। तो उसकी परमिशन उसका सैंक्शन लेगा, और अगर वो गैर सरकारी है तो उसकी जो जो सैंक्शन जो है वो जो है वो अकॉर्ड करेगा कि भाई ये सैंक्शन इसको डीसीपी जो है एसीपी रैंक का आदमी कि क्या इसको प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ ये जो सैंक्शंस हैं दोनों ये अपने आप में प्रोसीजरल हैं। इन दोनों सैंक्शंस की वजह से जी हम जो है किसी की प्रोसिक्यूशन को डिले नहीं कर सकते, डिले नहीं कर सकते। आप सैंक्शंस को रखिए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं जी, सैंक्शंस को रखिए, आप सैंक्शंस हो सकती हैं, लेकिन तमाम मैटर्स में जो सैंक्शंस होती हैं वो पेंडिंग रहती है और वो आती रहती हैं, लेकिन उसमें जो है चार्जशीट आने से पहले जो है वो सैंक्शन आ जानी चाहिए। तो सैंक्शन जो है वो अब्यूज़ ना हो, उसका कोई मापदंड उन्होंने नहीं दिया। दूसरी चीज़ जो एक और इम्पॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि उस आदमी को अरेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो जो है उसका आकलन, उसका कॉग्निजेंस और उसका जो एनालिसिस है, उसकी जो वैलिडिटी है अरेस्ट की, उसकी जो वेटिंग है वो मजिस्ट्रेट करेगा। आई एम सॉरी, मजिस्ट्रेट को पावर ही नहीं है इसको इस एक्ट को छेड़ने की। जो मजिस्ट्रियल पावर से इस एक्ट के अंदर वो स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट के अंदर मर्ज है, सो लिहाजा मजिस्ट्रेट इस एक्ट को छेड़ नहीं सकता। मजिस्ट्रेट के सामने आप इस एप्लीकेशन को लेकर के जा ही नहीं सकते ये कहने के लिए। एक तरफ तो आपने डेजिग्नेटेड कोर्ट बना दी शेड्यूल एस सी एस टी की, दूसरा बार आपने ये कह दिया कि कोई आदमी अरेस्ट होगा कि नहीं होगा ये मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा। अगर ये मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा और एक ये डीसीपी डीएसपी या एसीपी लेवल का आदमी डिसाइड करेगा कि कौन अरेस्ट करेगा कौन अरेस्ट नहीं करेगा, तो ये भी उतना ही अब्यूज़ होने लायक है प्रोसीजर जितना कि एक्ट अपने आप में अब्यूज़ होने लायक। सर आपने देखा कि अगर कोई एक दूल्हा जो दलित दूल्हा अगर चाहता है कि मेरी जो बारात जो घोड़े पे जाए उस पर घोड़े पे बैठने पे ऐतराज़ है जो अपर समाज के लोग हैं। अभी आपने देखा कि एक घोड़ा पालता था घोड़े पे चलता है उसका मर्डर कर दिया गया, और आए दिन आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से कि आए दिन जो दलित समाज से जो लड़कियाँ उनका खुलेआम बलात्कार कर रहे हैं, और इस तरीके का जो मैटर है सर अभी पूर्ण रूप से लागू भी नहीं हो पाया था 2015 के इसका समझौता हो गया, फिर भी ये मतलब कोर्ट इस तरीके से कहती है इसका जो एसीपीआर डीएसपी रैंक का जो इसकी इंक्वायरी करेगा फिर जेल जाएगा। सर गाँव देहात के अंदर आज भी बुरा हाल है। देखिए पहली बात हमको ये समझना होगा कि क्या हम इस बात से एग्री करते हैं कि एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को अपने अपने तरीके से अपने अपने ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे अपने अपने कस्टमरी एंगल्स के हिसाब से क्या कोई अट्रॉसिटी होता है कि नहीं होता, और मेरा ये मानना है कि होता है जी। अगर हम ये मानते हैं होता है तो हमें प्रोसीजर को ऐसा लिबरल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना चाहिए जिससे कि लोगों को राहत मिले, क्योंकि कोर्ट्स या कोई भी प्रोसीजर अल्टीमेटली न्याय करने के लिए बैठा है। ये मान लेना किसी भी स्टेज पे कि एक्ट अपने आप में अब्यूज़ होने लायक है, या ये मान लेना कि दूसरे जो जो एक्यूज्ड है वो बिल्कुल गिल्टी है, ये अपने आप में दोनों ही पोजीशन एक्सट्रीम है जी। ना तो कोर्ट को ये मानना चाहिए कि भाई जो एक्यूज है वो गिल्टी है, ना कोर्ट को ये मानना चाहिए कि ये जो एक्यूज है वो बिल्कुल इनोसेंट है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की अपनी ही जजमेंट से हमने सीखा है कि किसी भी इस स्टेज पे किसी भी केस को ये कह देना कि इसमें कन्विक्शन होगी 100% या इसमें कन्विक्शन नहीं होगी 100%, इस नज़रिए से मुकदमे को नहीं चलाया जा सकता जी। मुकदमे को चलाने का, क्योंकि जब चार्जशीट फाइल होती है चार्जशीट भी सस्पेक्ट के आधार पर सस्पिशन और सस्पेक्ट के आधार पर फाइल होती है, चार्जशीट 100% कन्फर्मेशन के आधार पर नहीं फाइल होती कि हाँ इसने ये काम किया है। चार्जशीट जब फाइल होती है वो इस आधार पर फाइल होती है कि इट इज़ सस्पेक्टेड दैट दीज पीपल हैव कमिटेड दिस क्राइम,
सो लिहाजा उसके आधार पर प्रोसिक्यूशन अपने केस को डेवलप करती है। लेकिन हमने कोर्ट अगर ये कह दे कि ये केसेस अब्यूज होते हैं तो फिर कोर्ट्स का काम क्या रह गया? कोर्ट्स का काम तो कुछ भी नहीं रह गया जी। और बेल की जहाँ तक बात है, बेल इसमें एक ऐसा दबाव था बना हुआ एक एक्यूज के ऊपर कि इसमें बेल नहीं होती है, हालांकि मेजॉरिटी केसेस में बेल हो जाती है जी, या तो बस सिर्फ इसमें एंटिसिपेटरी डिपार्ट एक सर एक कवच माना गया था हाँ। ये गरीब लोगों का ये कवच माना गया। बेल इसमें बार्ड नहीं है, एंटिसिपेटरी बार्ड है, यहाँ कंफ्यूजन है जी। एंटिसिपेटरी बार्ड इसलिए है कि भी आप जब वो मुकदमा बना भी नहीं, उसका पर्पस समझिए कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है, अभी अभी जो है पुलिस ने ये डिसीजन भी नहीं लिया कि उसको अरेस्ट करना है कि नहीं करना है, तो कोर्ट ने अगर ये डिसाइड कर दिया कि आप इसे अरेस्ट ही नहीं करोगे, उसका असर इन्वेस्टिगेशन पर पड़ेगा जी। सो लिहाजा वो एक पोर्शन ऐसा है जो बार्ड था, लेकिन रेगुलर बेल एक बार अरेस्ट होने के बाद में सेम डे बेल हो जाए, तो कस्टडी में जाने के बाद बेल हो जाए, वो तो बार्ड नहीं था। सो लिहाजा एंटिसिपेटरी बार्ड होना जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर था जो कि डाइल्यूट हो गया। सर पहली बात होना चाहिए, सर पहली बात तो ये कि जो गरीब लोग हैं गाँव देहात के अंदर थाने तक जाते जाते ही उनको जो अपर कास्ट के लोग इंसान बैठाते जाते मारते पीटते हैं, लेकिन जब थोड़ा एक आध लोग कोर्ट जाते थे थाने तक वो वहीं तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन कोर्ट में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक आने में उन्हें बड़ी दिक्कत होती है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। देखिए आपका सवाल बिल्कुल जायज है, ऐसा है मेरा अपना ही निजी राय है जी। इंडिया में हमारे यहाँ एक संस्था की बड़ी डेफिशिएंसी रह गई, देखिए जरूरत रह गई, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी कहा था और बाबा साहब ने तो उसको कोडिफाई किया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि आज़ादी के टाइम हमको तो अभी रूल करना भी नहीं आता, तो हमें अगर आज़ादी मिल भी गई 45 में वर्ल्ड वॉर के बाद, महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि हमें तो रूल करना भी नहीं आता, लिहाजा हमें पहले सीखना होगा कि हम रूल कैसे करेंगे जी। वो बात आज तक चली आ रही है, आज तक भी इंडिया में कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है जो हमको ये सिखा सके कि हमें रूल कैसे करना है। हमें कर्टसी किसी ने नहीं सिखाई जी। हमें देखिए मेजॉरिटी मुल्क्स में समाज के की हारमोनी को बैलेंस करने के लिए वहाँ संवैधानिक बॉडीज हैं, हमारे यहाँ भी कर्टसी कमीशन की बहुत ज़रूरत है जी। अब कर्टसी कमीशन की के बजाय माइनॉरिटीज़ के लिए और शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए संविधान में SC ST कमीशन और माइनॉरिटी कमीशन का एक प्रावधान है जी। ये कमीशन्स पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ की को लेने के अलावा कोई काम नहीं करते जी। इनका काम ये बेसिकली होना चाहिए कि समाज में कैसे सौहार्द पैदा करना है, कैसे हारमोनी मेंटेन करनी है, कैसे लोगों की ग्रीवांसिस को सुन करके वहाँ जा करके सरकार तक अपनी बात पहुँचानी है। तो ये लोग सरकार के नुमाइंदे होते हैं, इसलिए सरकार तक अपनी बात पहुँचाना तो दूर, लोगों की मदद करना तो दूर, अपनी चेयर को एंजॉय करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। सर न्यायालय कहती है कि जो दलित उत्पीड़न के जो मामले हैं अधिकतर फर्जी आते हैं, सर आप कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं काफ़ी अर्से से प्रैक्टिस कर आपने देश में भी कर रहे हैं, तो सर ये जैसे एट्रोसिटी के मामले को अगर हम एक तरफ कर दिया जाए, सर इतने जो जजमेंट है जो फेयर होते हैं, आप सर 498 दलित उत्पीड़न का है, दलित एक्ट का या 376 का, क्या उनमें ही न्यायालय फेयर जजमेंट देते हैं? देखिए ये कहना कि न्यायालय फेयर जजमेंट देता है नहीं देता है, ये कोई व्यक्ति कोई एडवोकेट कोई जज नहीं कह सकता, कोई अदालत नहीं बता सकता। नंबर वन सच्चाई ट्रुथ का लफ्ज का इस्तेमाल पूरे कानून में पूरे इंडियन कानून में 7 बार हुआ है, और वो जो ट्रुथ वर्ड यूज हुआ है वो ट्रुथ केस की सच्चाई का ट्रुथ नहीं है, फैक्ट का ट्रुथ है जी। केस के जो फैक्ट्स हैं उसकी ट्रुथफुलनेस, अब उसकी जो ट्रुथफुलनेस है उसकी जो सच्चाई है फैक्ट्स की जो सच्चाई है उन तक पहुंचने का काम की जो जिम्मा है वो अदालतों पर है। कोई व्यक्ति मैं कहता हूं कि एट्रोसिटीज एक्ट में मान लिया अब्यूज हो करके एक कंप्लेंट आती है, लेकिन जब ट्रायल होता है ट्रायल होने के समय उन फैक्ट्स की सच्चाई को जानने की जो क्षमता है जो पावर है वो कोर्ट्स के पास है, और अगर कोर्ट को लगता है कि सच्चाई कुछ और है तो अदालतें जो हैं मूक स्पेक्टेटर तो नहीं है, खाली देखने के लिए न्याय करने के लिए बनी है अदालत,
कोर्ट जो है चलते हुए मुकदमे को रोक करके डिस्पोज ऑफ कर सकती है, बरी कर सकती है, ये मुकदमा ही झूठा है, कोर्ट के पास वो पावर्स हैं। तो ये कहना कि ये झूठे मुकदमे आते हैं, ये एक जनरल व्यू है। और मैं समझता हूँ कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कोर्ट को ये कहना कि इसमें मुकदमे झूठे आते हैं, ये ऐसा एक स्वीपिंग स्टेटमेंट जो है वो मेरे ख्याल में संवैधानिक नहीं हो सकता। और कोर्ट से बैठी है तो हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है कि कोई झूठा मुकदमा आकर के हम पर लाद देगा, ऐसा संभव ही नहीं है जी। आप मुझे ये बताएं कि 99% केसेस में आपके अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसान को अपने विजडम और एक्सपीरियंस से पता लग जाता है कि मुकदमा झूठा है या सच्चा है। और अगर पता लग जाता है तो अदालतों को भी पता लग जाता है कि मुकदमा झूठा है सच्चा है। और देर सवेर से अदालतें जो है उस निर्णय पर पहुंच जाती है कि मुकदमा झूठा है, बरी कर देती है। तो ये निर्णय करने की क्षमता केवल अदालतों के पास है कि मुकदमा झूठा है सच्चा है। और ये निर्णय करना कि मुकदमा झूठा है सच्चा है, ये मुकदमे के बाद ही पता लगता है, ऐसा ज़रूरी नहीं। सर ये आपने थोड़ा सा अपने फेवर की बात की, अपने जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते उसके फेवर की बात की। सर चार न्यायाधीशों ने यही तो बोला था कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे का मतलब है कि हमारा जो न्याय जो प्रणाली है वो भी खतरे में। देखिए लोकतंत्र खतरे में है, ये ऐसा उन्होंने ये नहीं कहा कि कहीं से कोई एक असाधारण सिचुएशन ऐसी आ गई है जी। लोकतंत्र खतरे में है, उनका अपना कहने का एक इंडिकेशन का है। बड़ा आदमी जब कोई वैसी छोटी भी बात कहते या बड़ी भी बात कहते उसका इम्पैक्ट जो पूरे देश पे जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उन्होंने जो बात कही कि भाई लोकतंत्र डेमोक्रेसी खतरे में है या वैसी बात जो कही है उसका कोई इम्पैक्ट ऐसा नहीं। बेसिकली उनका मीनिंग यही है कि हमने इस बारे में करप्शन के बारे में ऐसा नहीं। देखिए करप्शन के बारे में एक आदमी ये कह दें कि इतने उच्च शीर्ष पद पर बैठा हुआ है उसको कह दें कि वो करप्ट हो गया, इतना आसान है, कहना बड़ा आसान है लेकिन ना तो करप्ट होना आसान है और ना ही प्रूव करना आसान है। सर ये तो आपने देखा है कि जो जस्टिस कर्नल साहब थे उन्होंने भी यही आरोप लगाया था कि भाई जो आज जजमेंट हो रहे हैं या मतलब जिस तरीके के जजेस अपना न्याय दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी के दबाव में दे रहे हैं। तो सर उनको कर्नल साहब को सर 6 महीने की सजा हुई और उसी बात को इन चार जजेस ने कहा, इन पर अभी तक किसी तरीके का ये कि कोर्ट की अवहेलना या अवहेलना का जो मैटर है वो कुछ नहीं है, वो सब शांत हो गया मैटर। देखिए ऐसा है, जस्टिस कर्नल के मैटर में मैं कोर्ट में ही था, हमने कोर्ट के सामने अपनी पक्ष रखने की कोशिश की। जस्टिस कर्नन के मैटर में आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, बल्कि बताना चाहता हूँ कि जस्टिस कर्नन के मैटर में जो चीफ की कोर्ट में जो मैटर टेकअप हुआ था जी, तो जजेस ने बड़ी क्लियरली उनको अपॉर्चुनिटी दी थी अपना डिफेंस रखने की। और ये भी तीन बातें उन्होंने कही थी कि आप अपना डिफेंस खुद रख सकते हैं, आप जिस एडवोकेट को कहेंगे वो एडवोकेट आपको मुहैया कराया जा सकता है। तीसरा बात उन्होंने ये कही थी कि आपको आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी कराया जा सकता अगर आप कहते हैं। उन्होंने तीनों ऑप्शंस को लेने से इनकार कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसी सिचुएशन, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए हमने संविधान को बचाना है, हमने मुल्क को भी बचाना है, तो ऐसी सिचुएशन उसमें क्या हुआ, ऑनरेबल जस्टिस कर्नन ने क्या किया कि उन्होंने जो है अपने एक पर्टिकुलर मानसिक अवस्था में जा कर के सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस के खिलाफ ऑर्डर्स पास कर दिए, तो वो अपने आप में कंटेंचुअस है। ऐसा कोई प्रावधान ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ना किसी जज को पावर है। अगर कोई करप्शन का मामला किसी कॉन्स्टिट्यूशन जज के अगेंस्ट आता है तो पार्लियामेंट उसके लिए सक्षम है जी। उन्होंने उसको बाईपास करके ऐसे ऑर्डर्स पास कर दिए जो अपने आप में कहीं ना तो सुने गए ना देखे गए, पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखे गए। सो उस लिहाज से कोर्ट को अपनी साख को बचाने के लिए ऐसे ऑर्डर्स करने पड़े जहाँ की कोर्ट को अपनी जो सेंटिटी है उसको मेंटेन करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को भी बचाना है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की सेंटिटी लोगों के सामने ही बचानी है। तो उन्होंने इनवाइट कर लिया अपने आप को उसके लिए। और मैं हर हियरिंग में था, उन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने कहा कि आपके पास जो साक्ष्य हैं, जो एविडेंस हैं, आप हमको दीजिए, वो दे नहीं पाए। सर वो एविडेंस वाली बात थी, जब उन्होंने कंप्लेंट दी थी उनकी कंप्लेंट को जिसके खिलाफ भी है उन्हीं को वो कंप्लेंट वापस कर दी। ये बात ये यहाँ तक मैं आपकी बात को मानने के लिए राजी हूँ कि उनकी कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी जो कि आज तक नहीं हुई। नहीं सर, अगर मेरी कंप्लेंट है और मैं मेरे को ही दी जा रही है जांच के लिए, एक सेकंड,
जो कंप्लेंट उन्होंने दी उस पर उनकी इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर होनी चाहिए थी, कोर्ट को ये भी करना चाहिए था जी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पास किए वो भी गलत था, उनके लिए उन्होंने कंटेंप्ट को अपने लिए इन्वाइट कर लिया, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो भी सही था। अगर कोई भी जज होगा, अगर ये एक बायस ऑब्लिगेशन मुझ पर भी होगा, तो मुझे भी एक संवैधानिक पद की गरिमा को संभालने के लिए, रखने के लिए उसके कंटेंट की प्रिविलेजेस को एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो उनकी कंप्लेंट थी वो अनहर्ड नहीं जानी चाहिए। सर लास्ट क्वेश्चन रहे सर, जैसे कि दलित उत्पीड़न का जो मामला बड़े पूरे भारत के अंदर ये फैला है, और अभी आपने कहा कि हमें रिव्यू परीक्षण डाली है, क्या सर कुछ लगता है कि आपको कि ये जो भोली वाली जनता है इसको कुछ जो न्याय मिलेगा, जो एक जो गरीब आदमियों का एक सहारा, यही कहते थे कि अगर कोर्ट में आ जाते थे कि कोर्ट को एक भगवान मानते थे कि हमें कुछ सहारा मिलेगा। देखिए मेरा ये मानना ही नहीं है, मैं पूरे जिम्मेदारी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूँ that honorable supreme court will review the matter with full sanctity and with an open mind yeah. that there have been certain misses in the judgment may not be in per incurium in totality, but the judgment has to be reviewed in bits and pieces in terms of shredding the confidence of the people at large that the atrocities act is there to protect the interest of a particular segment, and that particular protection cannot be taken away by any court or by any piece of legislation. तो court उस बात को ध्यान में रखेगी, ऐसा मेरा मानना ही नहीं है, ऐसी मेरी आशा भी है, और हम ये आर्ग्यू करने वाले हैं कि जो court में लिखा है उस court में उसके लिखने में कहीं कोई गलती नहीं है, सिवाय इन दो तीन बातों के कि जो एंटिसिपेटरी बेल है वो बार्ड नहीं है, लेकिन वो जो एंटिसिपेटरी बेल है वो मेरिट टू मेरिट बेस पर डिसाइड होगी, और जो इन्वेस्टिगेशन केसिंग ऑफिसर है वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाएगा अरेस्ट के लिए परमिशन लेने के लिए। वो अरेस्ट की परमिशन अगर उसको लगता है कि अरेस्ट होनी चाहिए, तो तब तक जब तक अरेस्ट होगी तब तक उसकी एंटिसिपेटरी बेल उसको ग्रांट ना होगा जी। इन दो बातों के लिए अगर मामला झूठा पाया जाता है तो हाई कोर्ट्स के पास 482 में पावर है, और सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 में पावर्स हैं कि कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है, और कॉग्निजेंस लेकर के बेल ग्रांट कर सकती है, बेल ग्रांट करने में कोई दिक्कत नहीं, सो मोटो कॉग्निजेंस ले सकती है किसी भी चीज़ की। तो अदालतों के पास पावर्स हैं, और जब चार्जशीट फाइल हो, एक बात और, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को ये भी पावर है कि वो चार्जशीट बिना अरेस्ट फाइल कर दे, अच्छा ऐसा भी संभव है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है हमारे सुप्रीम कोर्ट जी। वो चाहे तो अरेस्ट करें, वो चाहे तो ना अरेस्ट करें, वो सस्पेंस रखा गया है, वो अभी मैं नहीं समझता कि उस पर कोई ऑब्जर्वेशन कोर्ट की आई है। वो पावर पुलिस को अरेस्ट करने की पावर केवल पुलिस को है, वो पुलिस से ली नहीं, छीनी नहीं जा सकती, और वो छीन करके अदालतों को नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है पिछले हफ्ते कि किसको अरेस्ट करना है, किसको अरेस्ट नहीं करना है, ये कोर्ट कोई भी अदालत जो है पुलिस को नहीं बताएगी कि आप अरेस्ट करके लाइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका रिव्यू इन टर्म्स ऑफ सम क्लैरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन और सम रेक्टिफिकेशन इन द ऑर्डर होगा। देखिए अगर ये नहीं होता है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की पावर जो है एसीपी को दे दी है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की पावर एसीपी को देना और उसके बाद ये निर्णय करना, ये प्रोसीजर सीआरपीसी में है ही। ये सर मेरा जो पहला क्वेश्चन था मेरा यही था, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ कानून की रक्षा करना है न कि वो कानून बनाएगा। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की पावर जो है केवल और केवल सीबीआई के मैनुअल में है, और सीबीआई वाले लोग जो है एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी गठित करते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनका जिस तरह का नेचर होता है, वो वहाँ पे जो रेत डालनी होती है उस तरह के मैटर में, उनका जो सीबीआई का मैनुअल है वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को की परमिशन देता है। यहाँ पर अगर कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अगर कोई करनी होती है तो मैजिस्ट्रेट कर सकता है, सीआरपीसी में, पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकता। अगर पुलिस ऑफिसर को ये इसी प्रोविजन में अगर ये कहा जाए ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के आधार पे, तो ये तो फिर मर्डर के केस में भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे जी। और अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी
तो उसके बचाया जाए, उसके बचाया जाए, उस हिसाब से 438 में उसको एंटीसिपेटरी बेल मिलनी चाहिए। फिर क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि वो भी झूठा मुकदमा हो सकता है जी। सो उस लिहाज से सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। सो लिहाजा हम बिल्कुल आई एम होपफुल कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ ना कुछ अपनी जो क्लैरिफिकेशन वो देगा। सर वो लास्ट क्वेश्चन सर मेरा, ये सर रिव्यू पिटीशन है जो जब आपने रिव्यू पिटीशन डाली है या किसी और रिव्यू पिटीशन होती है सर, क्या ये उन्हीं जजों के पास जाती है जो जजमेंट सुनाते हैं? नेचुरली ये उन्हीं के पास जाती है उसमें, लेकिन हम उनकी सर क्या वो अपना अड़ियल रवैया अपना के कह रहे जी हमें नहीं सुनना, नहीं उस पर डेट पर डेट दिए। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं कुछ लेवल पे होते हैं, उनकी सोच उस लेवल पे होती है कि उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो अपने अपनी बात को में लचीलापन नहीं रखेंगे, और अगर कोई बात इलीगल हुई है और उसके बाद भी अगर कोई बात ऐसी है कि रिव्यू डिसमिस हो जाती है, तो अगर समाज को लगेगा या पब्लिक को लगेगा या गवर्नमेंट को लगेगा या कानून को खुद लगेगा कि इसमें फर्दर रिव्यू की जरूरत है, तो रिट पिटीशन फाइल करके वो लार्जर बेंच को सवाल भेजा जा सकता है, उसमें कोई ऐसा अवरोध नहीं है। लेकिन सर अभी बीच में आया था कि वो पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कि जो हमने जजमेंट दिया है बिल्कुल एक्यूरेट ठीक दिया है, लेकिन वो अपने अड़ियल रवैये को अपना रहे हैं। नहीं ऐसा है, वो जजेस ने इसलिए कहा है कि हमने जजमेंट ठीक दिया है क्योंकि जजमेंट, क्योंकि उनको लगता है कि क्योंकि अभी उनके सामने रिव्यू की आर्ग्यूमेंट तो हुई नहीं है जी, अभी तो वही उनके दिमाग में वही आर्गुमेंट्स हैं जो आर्गुमेंट जो है मेन समझा के जो मेन जजमेंट के टाइम थी। सो लिहाजा रिव्यू की आर्गुमेंट जब होंगी उसके बाद उनका माइंड बदलेगा, तो चेंज ऑफ माइंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन अ ज्यूडिशियल सिस्टम, एंड चेंज ऑफ माइंड इज वेरी इम्प्रॉम्प्टू। जजेस हमारे मैटर्स को डिसमिस कर देते हैं पहले, फिर उन्हें अचानक हमारी कोई आर्गुमेंट ऐसी कन्विंसिंग लग जाती है कि हमारे मैटर को वापस लेकर के हमें अलाउ कर देते हैं। कई बार ये अलाउ करते हैं लेकिन लगता है कि गलत अलाउ करके नेक्स्ट डेट पर उसको डिसमिस कर देते हैं। सो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है माइंड की, उसी से तो जजेस बनते हैं।